हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय विकास का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे आय और अन्य लक्ष्य। इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें हमने आपको विकास के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि व्यक्ति के लिए आय कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसके साथ साथ जो होता है और बहुत से ऐसे अन्य लक्ष्य होते हैं जिसको कि पाने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हमारा जो होता है विकास हुआ है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वह चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के अच्छी कीमतें मिले। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह कार्य करता है तो इस आशा से कार्य करता है कि उसे जो होता है इसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके। चाहे आज हम काम कर रहे हैं या कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो यही चाहता है कि उसे जो होता है ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम हो, उसकी इनकम बढ़े, ताकि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो भी जरूरतें होंगी वो उसको पूरा कर सकता है। जिसकी हर व्यक्ति की जो भी इच्छाएं होती है वो इन इच्छाओं को जो होता है किससे कर सकता है, पूरा पैसों से कर सकता है। तो इसीलिए जो होता है आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आय ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे ज्यादा आय चाहते हैं। आज हर व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा आय चाहता है ताकि वो अपनी भौतिक सुख सुविधाएं जो होता है वो इन आय के द्वारा जो होता है उन भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सके। किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। तो एक तो व्यक्ति ये जरूर चाहेगा कि उसको जो होता है इनकम ज्यादा मिले, उसको आय ज्यादा मिले। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आय ही जो होता है वो लोग चाहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जो होता है, देखिए जब मनुष्य जो होता है ना वह एक सामाजिक प्राणी होता है और जब एक समाज में रहता है तो आय के अतिरिक्त और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी उसे एक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और वो महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, लोग चाहते हैं कि उन्हें जो होता है बराबरी का व्यवहार हो। ऐसा नहीं हो कि कोई अगर मान लीजिए किसी भी वजह से जो होता है अगर उनके साथ जो होता है समाज में भेदभाव किया जाए, नहीं। सब व्यक्ति चाहते हैं कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। स्वतंत्रता, अगर मान लीजिए आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आपके पास स्वतंत्रता ही नहीं है तो क्या व्यक्ति उन सारी चीजों को उपभोग कर सकता है, नहीं। इसलिए जीवन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि व्यक्ति को जो होता है स्वतंत्रता हो, और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है वह हर चीज में उसे स्वतंत्रता, उसे बोलने की स्वतंत्रता, उसे लिखने की स्वतंत्रता हो, उसे अपना कुछ निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, मतलब हर चीज में जो होता है उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए। सुरक्षा, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को जो होता है वो सुरक्षा जो होता है वो मिले, क्योंकि वो इन सारी चीजों को कब प्रयोग कर सकता है, जब उससे वो सुरक्षित वातावरण में रहेगा, उसे जब लगेगा कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, तभी जो होता है वो अच्छे से अच्छा जो होता है जीवन जी सकता है। दूसरे से आदर मिलने की इच्छा, जब हम समाज में रहते हैं तो हमें देखिए विकास जो होता है वो मैंने आपको बताया कि केवल आय के द्वारा ही विकास को नहीं जोड़ा जा सकता है। हमारी ये भी आशा होती है, ये भी हमारे एक विकास का एक लक्ष्य होता है कि हमें दूसरे से भी जो होता है वह सम्मान प्राप्त हो सके। और वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है तो वो जो होता है इससे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो हर व्यक्ति जो होता है, चाहे वो आप हो, मैं हो, कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति की जो होता है इतनी महत्वाकांक्षाएं तो होती ही है। सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो होता है आय भी मिले, उसके साथ साथ उनके साथ समानता का व्यवहार भी हो, उन्हें स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, उन्हें सुरक्षा भी प्राप्त हो, और उनके साथ साथ जो होता है समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा हो, लोग जो होता है उनका आदर करे और कोई भी जो होता है उनके साथ भेदभाव ना हो। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो हमने देखा, ये सारे ही महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं विकास के, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें अगर हम एक लाइफ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन की बात करते हैं, तो कुछ मामलों में जो होता है कभी कभी हमारे पास आय भी रह ले, लेकिन फिर भी जो होता है ये सारी चीजें अगर नहीं है तो वो हमारी आय से भी ज्यादा महत्व रखते हैं, अधिक उप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, आज सिर्फ एक पढ़ाई या विषय से संबंधित नहीं, जीवन में भी इस बात को याद रखना कि केवल भौतिक वस्तुएं ही जीने के लिए आवश्यक नहीं होती है।
और बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको कुछ आपको मिली हुई है, तो उन चीजों को जो होता है हमेशा बनाए रखना, और सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जीवन में, समाज में जब मनुष्य रहता है तो उसे और बहुत सारी चीजें हैं जो उसके समाज में महत्व रखती है। अब हम बात करते हैं द्रव्य। द्रव्य मतलब पैसा। द्रव्य या इससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। हम जानते हैं कि अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो बहुत सारी, आज आप देखते हैं, आज आप छोटी से छोटी कोई भी चीज अगर आपको जरूरत हो तो उसे खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसलिए हम पैसे को, या बिल्कुल भी जो होता है समाज में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम इसे बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। आज कोई भी आपको वस्तुएं खरीदनी हो तो उसके लिए जो होता है द्रव्य जो होता है या जो पैसा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर एक अच्छा जीवन हम जीना चाहते हैं या हमारे अपने, या फिर आज हम अगर एक बेसिक चीजों को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो किससे प्राप्त कर सकते हैं? हम जो होता है पैसे से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। एक बात याद रखना बच्चों कि ना तो केवल पैसा और ये जो अभौतिक वस्तुएं होती है, और ना केवल अभौतिक वस्तुएं, दोनों का समन्वय, भौतिक वस्तुएं मतलब जो आय है, पैसा है, द्रव्य है, और अभौतिक वस्तुएं चाहे वो समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका आत्मसंतुष्टि हो, समानता का व्यवहार हो, सुरक्षा हो, ये जब दोनों का समन्वय होता है तभी हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक राष्ट्र का विकास हो रहा है। अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। तो बच्चे जरा आप सोचिए कि आपके जीवन में आपके मित्र जो होता है वो क्या भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा मित्र जो होता है वह कई पैसों से भी जो होता है कई बार महत्वपूर्ण होता है। आपको उसकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब इस बात को चलिए बच्चों आज हम थोड़ा एक प्रचलित उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक फिल्म आई है, आप लोगों को पता होगा, सुपर 30। तो अगर आपने नहीं देखी है मूवी तो जरूर एक बार देखिएगा। अभी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, देखिए इसमें जो सुपर 30 मूवी है वो आप जानते हैं कि वो एक रियल स्टोरी है। आनंद कुमार का नाम आप जानते होंगे जो कि बिहार में, बिहार क्षेत्र से जो होता है वो बिलोंग करते हैं। और देखिए उन्होंने क्या किया, अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनके जीवन में केवल पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। आज जो होता है उनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे जो होता है, देखिए वो आप जानते हैं कि वो IIT में जो होता है बच्चों का सिलेक्शन मतलब करवाने में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान दिया है। तो कई ऐसे गरीब घर के बच्चे थे जो कि अपना जीवन जो होता है बेहतर कर सके उनकी वजह से, उनके द्वारा जो होता है, क्योंकि उन्होंने फ्री एजुकेशन दिया। तो सोचिए कि उनको जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है वो पैसे से कहीं ज्यादा अधिक हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास अगर पैसा है तो हम गिन सकते हैं कि हमारे पास आज इतना पैसा है, कल इतना पैसा था होगा, ठीक है। लेकिन कई बार जीवन में कुछ बहुत सारी चीजें होती है, और बच्चों जो आत्मसंतुष्टि होती है वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उससे इम्पोर्टेंट जो होता है आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। तो मैं पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोलूंगी कि दोनों चीजों का संतुलन करना बहुत आवश्यक है। पैसे भी होने चाहिए क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन में और भी बहुत सारी अभौतिक वस्तुएं होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच अगर एक उचित तालमेल होता है तो वो जो होता है व्यक्ति का एक समुचित विकास जो होता है इसके द्वारा ही संभव हो पाता है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि आप जिसे माप नहीं सकते वो महत्व नहीं रखता है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि जिसे मापा जाए केवल वही जीवन में महत्व है। बहुत सी ऐसी चीज है जिसे हम मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आपको, मान लीजिए अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। तो अगर आपको कहीं दूर, मान लीजिए आपको पोस्टिंग होती है, आपको वहां पे जॉब मिल गई, आप बहुत खुश हैं कि चले मुझे जॉब मिल गई है, तो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने से पहले उस जॉब के प्रपोजल को आप पहले ये सोचेंगे कि ठीक है मुझे आय तो मिल रही है लेकिन और भी बहुत सारी फैसिलिटी क्या मुझे वहां मिल रही है, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भाई अगर मेरा बच्चे हैं, मेरे घर परिवार है, तो वहां पे वो स्कूल होंगे नहीं होंगे, उनकी पूरी सुविधाओं की जो होता है, जो उनकी जरूरतें हैं उनकी सुविधाएं वहां उपलब्ध होंगी नहीं होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा,
भैया एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर जो होता है कहीं का भी हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर होंगे, तो इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही जो होता है आप हाँ या ना में निर्णय करते हैं। दूसरी बात होती है, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, अगर मान लो कोई दूसरी नौकरी है जिसमें आपको वेतन तो कम मिल रहा है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकता है। इसको कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक जगह एक व्यक्ति को जो होता है प्राइवेट जॉब मिलती है, और प्राइवेट जॉब जो होती है उसमें क्या होगा, पैसा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसमें उसको सिक्योरिटी होगी क्या? नहीं। हो सकता है कि कल अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे कल उसको निकाल दिया जाए। लेकिन अगर मान लो दूसरी तरफ किसी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, तो हमें गवर्नमेंट जॉब हमें क्या देता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक सुरक्षा की भावना देता है, भले उसमें थोड़ा सा वेतन कम हो लेकिन सुरक्षा की भावना जो होता है वो ज्यादा होती है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, तो इससे आपकी सुरक्षा भावना जो होता है वो कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। आज हम देख रहे हैं कि हर वुमेन जो होता है वो वर्किंग वुमेन, मोस्टली जो होता है आज वुमेन जो होता है आत्मनिर्भर है, महिलाएं जो होता है वो घर और समाज में जो होता है वो और ज्यादा जो होता है उनको महत्व दिया जा रहा है। यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बढ़ाया जाएगा, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। अगर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिलता है जहाँ पे जो होता है उनको पता है कि वहां पे जो होता है वो सिक्योर फील करती है, अगर वहाँ का जो जॉब का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, वहां पर उनको वो सिक्योरिटी प्रदान मिलती है, वहां पर उनको संरक्षण मिलता है, तो इससे क्या होगा, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आगे आएंगी, घर से निकलेंगी, समाज में जो होता है वो भी जो होता है सहभागी बनेंगी, और विभिन्न प्रकार की जो होता है विदाउट किसी प्रेशर के वो भी जो होता है ज्यादा से ज्यादा नौकरी और व्यापार जो होता है वो कर सकती है, आत्मनिर्भर जो होता है बन सकती है। तो ये चीजें महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें काम करने का वातावरण अच्छा मिले, वो सुरक्षित हो और वह संरक्षित हो। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। तो एक चीज आप लोग बच्चों ने ये समझ ली होगी अभी तक कि केवल ऐसा नहीं है कि हमें आय मिल रही है, लेकिन उसके अलावा जो होता है हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है अगर काम करने का, अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर हमारे जो बेसिक जो सुख सुविधाएं जो हैं वो अगर उपलब्ध वहाँ पे नहीं होते हैं, या फिर हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे स्कूल नहीं हो पाते हैं, या फिर एक काम करने का अच्छा हमें एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है ना, इस तरीके की चीजें होती है। अगर हम इतना ज्यादा वर्क हो कि हम अपने परिवार के लिए ही जो होता है वो समय नहीं निकाल पाए, तो ये अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो वो आय से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी एक समय में, और फिर हो सकता है कि शायद हम वो नौकरी जो होता है उसको ना करें। तो इसीलिए ये विकास जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो केवल आय पर ही डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि और भी जो अभौतिक चीजें होती है जिन्हें हम अदृश्य चीजें होती है जो जिन्हें हम मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वह भी चीजें जो होते हैं हमारे लिए उतना ही महत्व रखती है जितना कि एक व्यक्ति के लिए जो होता है वह आय महत्व रखती है। सो वॉट डिड वी लर्न टूडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों आज हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि जीवन में आय का क्या महत्व होता है, आय का जो होता है विकास के लिए एक कुछ व्यक्ति के लिए जो होता है आय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ क्यों सभी व्यक्तियों के लिए जो होता है आय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन केवल आय ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो होता है कुछ और लक्ष्य होते हैं, कुछ और भी बहुत सारी अभौतिक वस्तुएं होती है जो अदृश्य होती है जिन्हें मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वो वस्तुएं भी जो होता है वो सेवाएं भी जो होती है वो भी जीवन में बहुत महत्व रखती है।